हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो अच्छा पांच जी टॉपिक की गल करनी है। एक प्रॉब्लम काफी पेशेंट्स मेरे नाल डिस्कस कर रहे थे कि मैम इस दे विच की कीता जावे। सो प्रॉब्लम का नेम है कि जदों पेशेंट कोई भी किडनी वाला फिफ्थ स्टेज देते पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि अगर उसनू डायलिसिस की जरूरत पैंदी है तो डायलिसिस के दौरान जेड़ा डाइट प्लान है, जेड़ी डाइट है, वह कितना दी होनी चाहिए है। सो सब तो पहला आप डिस्कस करांगे। एंड इस तो भी पहला मैं थानू ये दसना चाहनी है कि जो किडनी का पेशेंट है डायलिसिस के दौरान उसकी डाइट दे विच कुछ ना कुछ वेरिएशन्स आउंदियां ने, उन्हां गल्लां दा ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिकॉज डायलिसिस तो पहला जिहड़ी डाइट हुंदी है ते डायलिसिस तो बाद वाली जिहड़ी डाइट है उस दे विच कुछ ना कुछ चेंजेस आ जिहड़ियां उह लियाउणियां बहुत ज्यादा जरूरी हो जांदियां ने। क्योंकि देखो डायलिसिस तो पहला अगर देखा जाए जावे थर्ड फोर्थ स्टेज दे विच ता पेशेंट दी जो फिल्ट्रेशन है प्रॉपरली प्रोटीन दी नहीं हो पाती, तो उस टाइम दे दौरान साडे द्वारा कहा जाता है कि प्रोटीन का इनटेक आ जिहड़ा सेवन आ घट किया जाए। लेकिन डायलिसिस दे दौरान फिल्ट्रेशन आ जिहड़ी पूरी दी पूरी मशीन द्वारा की जाती है। सो जिहड़ा प्रोटीन का वेस्ट है पूरे का पूरा बाहर निकल जाता है, तो असीं जिहड़ी प्रोटीन है पेशेंट नूं उह नॉर्मल तो थोड़ी ज्यादा भी दे सकते हाँ। जिदा नॉर्मल प्रोटीन इनटेक हुंदा किसी भी परसन का जिन्ना उसका वेट है उन्ने ग्राम प्रोटीन ले सकता है। जे मान लो 55 केजी है किसी का वेट तो पर डे 55 ग्राम तक का प्रोटीन है जिहड़ा वो ले सकता है। लेकिन डायलिसिस के दौरान प्रोटीन का जो कंजप्शन है वह थोड़ा इनक्रीज हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान प्रोटीन सारी बाहर निकल जाती है। तो उस पेशेंट नूं अपनी बॉडी वेट जिन्ना है इंटू 1.2 जिहड़ा है ग्राम प्रोटीन है जिहड़ा लेना चाहिए है ताकि प्रोटीन की कमी ना आवे। देखो वेजीटेरियन डाइट दे विच अपने कोल किहड़ियां ऑप्शनस ने अज मैं वह दसदी हाँ। उस तो बाद दसांगे कि नॉन वेजीटेरियन च किहड़ियां ऑप्शनस ने प्रोटीन दियां। अगर पेशेंट वेजीटेरियन है तो वह सोया प्रोडक्ट सोया बीनस लै सकता है, इस तो इलावा पल्सिस लै सकते हैं पेशेंट्स। एंड इस तो इलावा अगर असीं गल करिए तो पनीर भी लै सकता है पेशेंट। और अगर नॉन वेजीटेरियन है तो एग बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए। एंड फिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। सो ये सारी ऑप्शंस रह जाती हैं नॉन वेज वाले पेशेंट लिए। एंड इस तो इलावा एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी होंगी है कि पोटाशियम एंड फॉस्फोरस का इनटेक किवें करना चाहिए है। सो नैचुरली जो किडनी की डिजीज होंगी है तो पोटाशियम एंड फॉस्फोरस के लिए कहा जाता है कि इसका कंजप्शन घट करना चाहिए है। सो डेफिनेटली जो साडा डायलिसिस हो जाता है तो उस तो बाद पोटाशियम फॉस्फोरस जिहड़ा बॉडी दे विच एक बार तो घट जाता है, लेकिन जिमें जिमें डेज क्रॉस कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक वीक के बाद डायलिसिस हुंदा है तो आफ्टर 4-5 डेज डायलिसिस तो बाद पोटाशियम एंड फॉस्फोरस फिर साडे किडनी दे विच डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि उस तो बाद इसका जिहड़ा सेवन आ घट किया जाए। एंड ओवरऑल असी देखिए पोटाशियम जिहड़ा फॉस्फोरस है ये सानू जिदा सीट्रस चीजा चो मिलता है, लेमन हो गया, आमला हो गया, ऑरेंज हो गया, जां ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। सो असी इन्हां दा अगर मान लो ग्रीन वेजीटेबल्स दा असी सेवन करना भी चाहते हाँ तो इसनू असी लीच करके जाने के गर्म पानी दे विच इसनू बॉयल करके वह पानी नू फेंक के सुट दो पानी नू, उस दे विच जिन्ना पोटाशियम फॉस्फोरस होगा वह सारा बाहर निकल जाएगा। इस वे दे नाल जिहड़ियां सब्जियां हैगियां उन्हां नू असी पका के खा सकते हाँ। इस तो इलावा जिहड़ा सॉल्ट दा इनटेक है वह असी घट रखना है, क्योंकि सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है साड़ी बॉडी दे विच, तां असी इसका इनटेक भी घट रखांगे। एंड बीपी का इशू ना आवे इस करके भी इसका इनटेक असी घट रखना है। एंड उस तो इलावा अगर असी गल करिए वाटर इनटेक की तो नैचुरली है कि यह डिपेंड करता है कि पेशेंट नू यूरिन आउटपुट किन्ना है, जिन्ना कि यूरिन आउटपुट है थोड़ा उन्ना तुसी वाटर इनटेक कर सकते हो। सो वाटर दे विच कल्ला यह नहीं है कि पानी नहीं लेना है, वाटर इनटेक दे विच कॉफी होगी, चाह होगी, जां लस्सी पी रहे हो तुसी वह सारी चीजा के उपर भी कंट्रोल करना है, कोई सूप हो गया, जूस हो गया, वह सारी चीजा से कंट्रोल करना है ताकि वाटर है जिहड़ा एटलीस्ट बॉडी दे विच उन्ना ही जावे जिन्ना कि बाहर निकल रहा है। क्योंकि जो डायलिसिस हुंदा है तो बहुत घट जिहड़ा यूरिन है आउटपुट नैचुरल वे नाल हो पाती है। सो ध्यान रखना है कि उन्ना ही पानी पियो तुसी, जां पानी वाली चीजा लो, लिक्विड चीजा लो, जिन्नी कु तुसी जिन्ना कु पानी है जिहड़ा बाहर कढ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। एंड फूड जूस सूप आ जिहड़े इन्हां नू इग्नोर करो, क्योंकि इन्हां विच डायरेक्टली फॉसफोरस ते पोटाशियम इन्हां दे थ्रू तुहाडे अंदर जाएगा। सो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस। एंड अगर थानू लगता है कि कोई होर क्वेरीज ने तुसी जो मैसेज है लीव कर सकते हो ताकि डाउट जिहड़े डायलिसिस के दौरान ने
सारे क्लियर करवा सको. सो गुड लक एंड स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.